Winners don't do different things. They do the same thing differently. कुछ नई चीज नहीं करते, इसी को और स्पीड में करते हैं, स्पीड डेवलप कर लेते हैं। सवाल उनके चार बार प्रैक्टिस की होते हैं, उसी स्पीड पकड़ते हैं। एक बार पेपर हो जाएगा और पेपर मेरे हाथ में आएगा तो उस क्वेश्चन में मैं बता दूंगा के की वैल्यू 1 रख के आंसर आएगा कि 2 रख के आएगा। पर जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे, तब मैं अपने रूम में बैठा हूंगा, अपने घर में बैठा हूंगा, तब तुम्हें वहां आके कोई नहीं बताएगा कि इसके इस टाइम इसके लिए 1 रख लें या 2 रख लें, एन की वैल्यू 1 रख के चेक कर लें कि 0 रख के चेक कर लें। वहां आके आपके दिमाग में डालेगा कौन कि यार सबको इस टाइम बराबर लेना है, या किसी एक को 0 ले लेते हैं, या ऐसा कर लेते हैं, या ऐसा कर लेते हैं। क्या पता तुमने जो स्टेप लिया, किसी एक को 0 लिया, वो करने के बाद 3 आंसर तुम्हारे मैच कर जाए और तुम चेक ही ना करो, तुम्हारा एक मैच करे तुम मार के आगे बढ़ जाओ, तो हो सकता हो ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होना था, अदरवाइज नहीं होना था, ना नुकसान था ना फायदा, पर तुमने गलत कर दिया। गलत करके भाई तुमने नेगेटिव ले लिया। इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन दिमाग लगता है, और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन दिमाग कब लगाते हैं, पेपर देने के बाद, जब पेपर हाथ में आधा घंटा बैठ के सोचते हैं, 15 मिनट सोचते हैं, अच्छा 1 रख के चल रहा है क्या, नहीं 2 रख के, अच्छा 0 रख के, तो ये तो सही हो रहा है, पर इसमें तो 2 ऑप्शन है। Then it's possible. Examination hall में अगर वो क्वेश्चन सेम आ गया तब तो ठीक है, वैल्यू डिफरेंट है तो मुश्किल है। बात समझ में आई? अभी तुमको मजा आएगा, अभी तुम वैल्यू रखे चेक कर लिए, कर लिए एग्जाम में, फिर क्या होगा वहां के कान में कौन बताएगा कि इसकी वैल्यू 1 डाले कि 2 डाले कि 3 डाले, कि 0 रख के चेक कर लेते हैं, और 0 रख के 2 मैच कर गए, गए काम से भैया फिर तो, और 2 चेक करने के चक्के तुम 1 ही चेक करके मार के भी आगे बढ़ गए, ये तो सही हो गया तो गए। तो ये दिक्कत है वैल्यू पुटिंग में, वैल्यू पुटिंग में ये इश्यू होता है। ये चीजें पेपर जब हाथ में आ जाए ना, उसके बाद आधा घंटा या 15 मिनट उसमें रिसर्च करके आप निकाल सकते हो कि 0 रख के सही आंसर आ रहा है, -1 रख के आ रहा है कि 1 रख के आ रहा है, बट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, हियर एनी टॉपर्स इंटरव्यू, Here any toppers interview, they never do this value substitution and all this. Never. किसी भी topper का interview खोल के देख लो, कभी ये सब कहीं कुछ ये सब नहीं करता कोई। Topper को पता है यार ये सब में risk है, बहुत बड़ा risk है। Clear हुई बात? Topper कैसे करता है? इसी चीज की speed पकड़ता है। Winners don't do different things. They do the same thing differently. कुछ नई चीज नहीं करते, इसी को और स्पीड में करते हैं, स्पीड डेवलप कर लेते हैं। सवाल उनके चार बार प्रैक्टिस की होते हैं, उसी स्पीड पकड़ते हैं। क्लियर है बात? चल, तभी तो बोला जाता है विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, ऐसा नहीं कुछ नई चीज करके आएंगे, यही चीज को और स्पीड में करेंगे और क्रिएटिवली करेंगे, दिमाग में उनके चीजें मेमोराइज होंगे, ये होगा। When dielectric, जो वैल्यू में रखने वाला कर रहे हो तो करोगे, पर इससे तुम्हारे नीट का स्कोर 400-500 वाले स्कोर वाले ये बच्चे हैं, ये जो ये काम कर रहे हैं, ये 650 वाले स्कोर वाले बच्चे थोड़ी ना आए यार, जो इस पे डिपेंड होके जा रहे हैं कि वहां वैल्यू रख के हम चेक करके एक आंसर निकाल ले जाएंगे। When dielectric, उसमें है क्या? अब आपने वैल्यू रख के चेक किया, 3 आंसर मैच किए, आता था क्वेश्चन 2 मिनट पहले के चले गए, अब बचे हुए टाइम में तुम आओगे फिर वापस सवाल करने, फिर से उतना ही टाइम लगेगा उसमें, है ना? तो ये देखो।